नमस्कार, मैं अदिति ओझा और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। असम एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, जिसके नदियां और जिसके प्रकृति के जुड़ाव की वजह से असम को लोग जानते हैं। लेकिन मानसून आते ही ये राज्य अलग ही चर्चा का विषय बन जाता है। हर साल मानसून की वजह से यहाँ बाढ़ आती है जो भयंकर तबाही मचाती है। आखिर इसका क्या कारण है जिसके वजह से असम में हर साल बाढ़ आती है, इसी पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों असम में हर साल बाढ़ आती है। असम में लाखों लोग बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। असम के 12 जिलों के 5 लाख लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश से कई नए इलाके जलमग्न हो गए हैं। असम में हर साल इस समय के आसपास जनजीवन पूरी तरह से ठप हो जाता है। लोग लगातार बारिश, भूस्खलन और बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। इन आपदाओं की तीव्रता लगातार बढ़ रही है, जिससे जान माल के नुकसान में भी वृद्धि हो रही है। असम का बाढ़ प्रभावित हिस्सा भारत के कुल बाढ़ प्रभावित हिस्सों का 10% है। इस समस्या की प्रमुख वजह प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक भूविभाग है। असम की प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र नदी को प्रदेश की 50 सहायक नदियां पानी देती हैं, जिसके कारण हर साल ये नदी बहुत ही विकराल रूप ले लेती है। ऐसा कहा जाता है कि असम में हर साल आने वाली बाढ़ के लिए असम और उसके आसपास के इलाकों के साथ साथ यहां की जलवायु भी जिम्मेदार है। ब्रह्मपुत्र नदी अमेजोन के बाद दुनिया की ऐसी नदी है जो अपने साथ सबसे ज़्यादा पानी और अवसाद बहाकर लेकर आती है, जिससे हर साल निचले इलाके बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। असम के आसपास का इलाका भी यहाँ बाढ़ के लिए मददगार होता है। अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के पहाड़ों से होकर ये नदी नीचे की ओर बहती है। इन दोनों राज्यों में मानसून में भारी वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ के पहाड़ दक्षिण की ओर और बंगाल की खाड़ी से बारिश के बादल आते हैं। असम ऐसे चमर मौसमी घटनाओं को झेलने की स्थिति में नहीं होता है और नतीजा बाढ़ आती है। वहीं पश्चिमी असम में भूटान की वजह से यहाँ पानी बाढ़ के हालात बना देता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ प्रकृति ही जिम्मेदार है असम में बाढ़ के लिए, तो आप गलत हैं, क्योंकि असम में नदियों, तटों और झीलों का अतिक्रमण बाढ़ की स्थिति को खराब करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक बन गया है। नदी के किनारे अनियोजित मानव बस्तियां, कृषि गतिविधियां और बुनियादी ढांचे का विकास भारी वर्षा के दौरान पानी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करता है, जिसके वजह से हर साल यहाँ बाढ़ आती है। इसके अलावा राज्य भर में अपर्याप्त जल निकासी बुनियादी ढांचे के कारण असम की बाढ़ की संवेदनशीलता और भी बढ़ गई है। शहरी क्षेत्रों में अपर्याप्त या बंद नालियां पानी की तेजी से निकलने को रोकती हैं, जिसके वजह से जल भराव होता है और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ ही असम में तीव्र और अनियोजित शहरी विकास ने बार बार आने वाली बाढ़ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे पूरी तरह से ज़मीन का उपयोग की योजना बनाए बगैर शहरों और कस्बों का विकास होता है, और बाढ़ शमन उपायों के लिए आवश्यक विचारों को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इमारतों, सड़कों और बुनियादी ढांचे का बेहिसाब विकास और निर्माण गतिविधियां कारण बनती हैं क्षेत्र में बाढ़ का। इन चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक रणनीति की ज़रूरत है, जो विकास, नदी तट संरक्षण, बेहतर जल निकासी बुनियादी ढांचे और प्रभावी भूमि उपयोग योजना को प्राथमिकता दे। केवल ठोस प्रयासों से ही असम बाढ़ के विनाशकारी प्रभाव को कम कर सकता है और अपने निवासियों के जीवन और आजीविका की रक्षा कर सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और खबर फास्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।